नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ सीमा उपाध्याय और आप देख रहे बुलेट हिंदुस्तान। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पतंजलि ने देश भर में 75 प्रमुख स्थानों, 500 जिलों और 5000 तहसीलों में करीब 20 करोड़ लोगों को योग से जोड़ा है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने हरिद्वार स्थित पतंजलि के योग साधकों के साथ योगासन किया। आचार्य बालकृष्ण ने नई दिल्ली स्थित लाल किला परिसर में भी योगाभ्यास कराया। स्वामी रामदेव ने कहा कि योग शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मांग है। इससे बीमारियों पर नियंत्रण होता है। योग के कई विभिन्न पहलू भी हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़े बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। योग दिवस के मौके पर स्वामी रामदेव ने कहा कि योग पूजा पाठ नहीं बल्कि पूर्वजों की एक विद्या है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व सोमवार को पतंजलि में योगाभ्यास करते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि योग शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मांग है। इससे बीमारियों पर नियंत्रण होता है। योग के कई विभिन्न पहलू भी हैं। सभी पहलुओं को सबको समझाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोगों ने यह भ्रांति फैलाई है कि योग केवल योगियों, गुफाओं और कंदारुओं में रहने वाले लोगों को करना चाहिए, फलाना मजहब के लोगों को योग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 175 देश के लोगों ने योग को अपनाया है। इनमें कम्युनिस्ट और इस्लामिक देश भी शामिल है। दुनिया मानती है कि योग मजहबी विद्या नहीं है। योग गुरु ने कहा कि योग आरोग्य की आत्मनिर्भरता का सूत्र है। कोरोना काल में योग ने दुनिया को एक नई दिशा दी है। योग करना और कराना उनका परम धर्म है। यही सेवा राष्ट्र और मानवता का धर्म भी है। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि योग भारत की विधा है। पूरी दुनिया में योग पहुंचता है तो भारत और भारतीयों के लिए यह गौरवशाली क्षण होगा। उन्होंने कहा कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग जरूर करें ताकि दुनिया में यह संदेश पहुंच सके। जहां से योग विद्या की शुरू हुई वहीं पर सारे लोग योग करते हैं और यह योग के प्रति समर्पित भी हैं। तो ये थे बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। और वैसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहे बुलंद हिंदुस्तान।